अहमदपुर चौराहे से सागर पुलिया तक सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन। पिछले साल परिषद की बैठक में लंबित होने के कारण रुक गया था निर्माण। 75 मीटर चौड़ी और करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। पिछली परिषद में नगर पालिका द्वारा कई प्रस्ताव रखे गए थे जो किन्हीं कारणों से रुके हुए थे। उन्हीं प्रस्तावों में से एक 92 लाखों रुपए की लागत से अहमदपुर चौराहे से लेकर सागर पुलिया तक सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन कलेक्टर और नगर पालिका के प्रशासक डॉक्टर पंकज जैन द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि ये प्रस्ताव पूर्व में नगर पालिका की परिषद द्वारा पास किया गया था, लेकिन उक्त बैठक में आपत्ति आने के बाद तमाम विकास कार्य रुक गए थे। अब उन कार्यों को तेजी से करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर ने इस कार्य को 6 महीने की वजह 2 महीने में पूरा करने के निर्देश ठेकेदार को दिए हैं। CMO सुधीर सिंह ने बताया कि 75 मीटर चौड़ी सड़क के साथ नाला निर्माण भी किया जाएगा। इंडिया समाचार के लिए विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की ये रिपोर्ट। ये सड़क अभी एक भूमि पूजन हुआ है। ये 92 लाख की सड़क है, 92 लाख की, और आप देखेंगे पुरानी जो सीसी है ये यही चौराहे पे आगे ख़त्म हो गई है। उसके बाद डामर रोड है, तो ये डामर रोड अक्सर बारिश में टूट जाता है। तो ये पिछली परिषद में ही ये प्रस्ताव पास हुआ था 92 लाख की सड़क बनाने का, पीतल मिल होते हुए आगे सागर पुलिया तक। लेकिन इसको हम लोगों ने अब 75 फीट की चौड़ाई में इस 92 लाख के एस्टिमेट को लिया है, और उसके बाद फिर नाला भी बनेगा 1 मीटर चौड़ा। तो ये आज से हम लोगों ने ये काम चालू कर दिया है, और आदरणीय कलेक्टर साहब ने जो ये निर्देश दिया था कि इसको पूरा चौड़ा सड़क, ये चौड़ी सीसी जो है मिंतल मिल चौराहे से आगे सागर पुलिया तक जाएगी। आगे भी एक अलग एस्टिमेट बनाए हुए हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने ये 92 लाख के सीसी सड़क और नाली का काम प्रारंभ किया। सर इतनी देर के क्या कारण है? ये बीच में थोड़ी परिषद के वजह से निलंबित हो गई थी, प्रस्ताव शासन में चला गया था, तो उसके वजह से विलंब हुआ। तो मानी तो शहर की आप कार्य पेंडिंग काम पूरे होंगे? हाँ, जो जितने भी काम पिछली परिषद के हुए हैं प्रस्ताव पारित, वो धीरे धीरे सारे काम होंगे, और इस प्रशासन महोदय भी इस ओर विशेष